हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये फोर्थ सेमेस्टर का जेनी कलेक्टिव का पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। जिसके भी पास ये सब्जेक्ट है वो इस वीडियो को देख सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी जो कि सब्जेक्ट का नाम है, जरा हम देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसका सिलेबस देख रहे थे। सिलेबस क्या है, सिलेबस भी देखना ज़रूरी है। सिलेबस की बात की जाए, इसमें दो ही यूनिट है। पहली यूनिट है आपका प्लेटो और आपका अरस्तू यानी एरिस्टोटल। ठीक है, क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी। तो जब सिंपल सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनकी जो सिद्धांत है, इनकी जो थ्योरी है वो पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है, दूसरी यूनिट है आपकी मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, मिल और मार्क्स। इसमें भी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, इनके बारे में, इनकी जो भी सिद्धांत है उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, फिर मैं लेटेस्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा किसका इस बार का पेपर कैसा आया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रूप क्या है यानी व्हाट आर फॉर्म्स। उदाहरणों का उपयोग करते हो रूपों के सिद्धांत की प्लेटो की व्याख्या पर चर्चा करें। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट है आपका प्लेटो के गणराज्य में चर्चा के अनुसार न्याय के विचार का विश्लेषण करें। प्लूटो का जो जस्टिस है, आइडिया ऑफ जस्टिस, उसके बारे में आपको बताना है। तीसरा आपका पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद पर प्लेटो के विचारों पर चर्चा करें, वह इसे राज्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर आपका एक गुलामी पर अरस्तू यानी एरिस्टोटल के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। फिर नेक्स्ट आपका प्लेटो के साथ अरस्तू के मतभेदों का विश्लेषण करें। अरस्तू के निकोमाचेन नैतिकता में वर्णित सद्रुण की अवधारणा पर चर्चा करें। अरस्तू की नागरिकता की समझ की व्याख्या करें। धर्म और राजनीति पर मैकियावेली का क्या दृष्टिकोण था। मानव प्रकृति और प्रकृति की स्थिति राज्य के सिद्धांत में इसकी प्रासंगिकता पर हॉब्स के विचारों की व्याख्या करें। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा लेटेस्ट जो इसी बार आया है। हॉब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में राजनीतिक दायित्व के विचार पर चर्चा करें। हॉब्स एक निर्गुण या व्यक्तिवादी था, समझाइए। रूसो के सामान्य बसियत के विचार पर चर्चा करें, डिस्कस द रूस आपका रूसो के आइडिया ऑफ जनरल विल। सामाजिक अनुबंध के रूसो के सिद्धांत को सामने लाए और इसकी तुलना हॉब्स और लॉके से करें। उपयोगितावाद क्या है, मिल उपयोगितावादी दर्शन के मूल विचारों को कैसे बदलती है। लिबर्टी पर जेएस मिल के विचारों पर निबंध लिखें। मिल क्यों मानती है कि प्रतिनिधि सरकार सबसे आदर्श और प्रतिनिधित्व की प्रकृति में सुधार के लिए उनके क्या सुझाव हैं। मार्क्स की अलगाव की समझ और पूंजीवादी व्यवस्था के इसके योगदान पर चर्चा करें। पूंजीवाद में राज्य की प्रकृति के बारे में मार्क्स के विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद क्या, मार्क्स इस पद्धति का उपयोग अपने इतिहास के विश्लेषण में कैसे करते थे। तो आपके हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जरा इसका पेपर दिखाता हूँ, पेपर कैसा। तो पेपर की बात की जाए, पेपर आपका 90 नंबर का आएगा। 3 घंटे का समय मिलेगा जेई का पॉलिटिकल साइंस का वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, 4 सेमेस्टर का। 5 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे, हिंदी और किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, डिस्कस द प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये आप जरूर करके जाना। ठीक है, दूसरा आपका परिवार और संपत्ति के साम्यवाद पर प्लेटो के विचारों का परीक्षण कीजिए, ये भी हमने इंपॉर्टेंट में करवाया है। तीसरा आपका राज्य अच्छे जीवन के लिए मौजूद है, अरस्तू के राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में उपरोक्त कथन का परीक्षण कीजिए, मैं आपको मुंह से बता दे रहा हूँ। चौथा पूछा गया, मैकियावेली के शासन कला को किस प्रकार समझते, क्या उनकी समझ उनसे पहले की राजनीतिक दर्शन की पश्चिमी परंपरा से पृथक थी। पांचवा, हॉब्स व्यक्तिवादी और निरंकुशतावादी दोनों है, चर्चा कीजिए। छठा, रूसो द्वारा समझी गई असमानता की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए, सभ्यता का गठन असमानता को कम करने की बजाय क्यों बढ़ाता है। सातवां, रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत हॉब्स का सीज विहीन लेवियात कथन है, स्पष्ट कीजिए। आठवां आपका रहेगा, प्रतिनिधित्व सरकार पर जेएस मिल के विचारों की आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। नौवां है, पूंजीवादी शोषण के अनिवार्य हिस्से के रूप में मार्क्स की अलगाववाद की अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए। दसवें, कुछ टिप्पणियाँ, ऐतिहासिक भौतिकवाद, क्रांति पर अरस्तू के विचार, महिलाओं की अधीनता पर जेएस मिल के विचार, मानव स्वभाव पर हॉब्स के विचार। ठीक है, हॉब्स व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। थोड़ा सा ब्लर है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा स्टूडेंट ने भेजा हमने आपके सामने दिखा दिया। तो ये सारा इसका पैटर्न है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।